बड़ा ऑफर करना, 17.5 पे थोड़ा नखरा करना, 16-25 पे डन। यस डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा बिजी हूं, बाद में बात करते हैं। डंडी डंडी माय बॉय, तुम पढ़ने के लिए जा रहे हो, ये सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा, तुम आते जाते रहना। बड़े साहब मना लिया छोटे साहब को, या सामान कमरे में वापस रखवा दूं इनको? बाबा साहब, वी ऑलरेडी हैव एवरीथिंग, मुझे यूनिवर्सिटी जाके पढ़ने की क्या जरूरत है? बहुत जरूरी है, पढ़ोगे नहीं तो बड़े आदमी कैसे बनोगे बेटी? आप लोग तो पैदाइशी ही बड़े लोग हैं, भला डिग्री आपको क्या बड़ा करेगी? डिग्री इन्हें और बड़ा कर देगी, आप नहीं समझेंगे। तो फिर पढ़ाने की क्या जरूरत है सरकार, डिग्री ही ले दें। डिग्री कोई बाइसाइकिल है जो दिलवा दे, इडियट पढ़ेगा ये कि मैं बोए, तुम्हारे जाने का टाइम हो रहा है, बख्शी साहब तुम्हें ड्रॉप करवा देंगे, डोंट वरी, वहां पे हमारा फार्म हाउस है, यू विल स्टे देयर। ऊपर वाले की बड़ी करम नवाजी है, इतनी जायदाद दे रखी है कि जुल्फी मियां को मालूम ही नहीं कि कराची में भी इनका एक फार्म हाउस है। हम दोनों का? जी जी, आप ही लोगों का कह रहा हूँ, मैं कौन सा कह रहा हूँ मेरे बाप का। चलिए छोटे साहब, गाड़ी गरम हो रही है। ओके माय बॉय, टेक केयर। अरे बस कर जा किशोर, अरे अल्लाह की बंदी, देख तो सही रो रो कर क्या हाल कर लिया अपना तूने, बस चुप हो जा। आपा जागी, कसम से अगर ये सब कुछ तुम्हारे साथ होता ना, फिर मैं तुमसे पूछती। अबे तुम मेरे साथ होता तो पूछती, हर वक्त चल जा पे चल। अरे भाई रोज रोज पिट के आ जाती है, अपने घर में रहे, हमने कौन सा कहा है कि यहाँ पे आए, हमारे बड़े ऐशार हैं जैसे यहाँ पे। वाला जहांगीर की मेहरबानी है कि हमें यहाँ नौकरों की तरह रखा हुआ, वरना वरना अब्बा जितनी खूब गर्जी से तुम मर गए। अरे जुगनू, अरे शरबत बनाने को कहा था क्या, कुआं खोद के पानी निकालने लगी? आ रही हूँ। नौकरानी हूँ ना सबकी, सबको शरबत बना बना के पिलाती रहूँ मैं। अब्बा कैसी खूब गर्जी से चले गए, हमारा जरा ना सोचा, ना हम जिंदों में है ना मुर्दों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। है जुगनू ये क्या, अरे करीब आके सर पे हाथ फिरवाओ, बड़ी है तुमसे। क्यों हाथ फिरवाऊं, जैसे इनके हाथ फेरने से मेरा नसीब बदल जाएगा, इनका खुद का हाल तो देखे। अरे जबान को लगाम दे लड़की, वो बेचारी पहले ही मुसीबत में पड़ी है, उसके जख्मों पे नमक छिड़क रही है, आई डर खुदा के खौफ से बड़ा बोल सामने ना आ जाए। जबान को लगाम दे जुगनू, जाके दूसरे घर जाएगी ना तो लोग मेरे सर पे जूते मारेंगे, जूते। दूसरे घर जाऊंगी तो खुश रहूंगी, वहाँ ऐसे थोड़ी ना बोलूंगी। अरे बदजबान, ऐसी हरकतों पे भला तुझे ब्याह के कौन लेके जाएगा है? वो देख हमारी किशोर, अरे कैसी सरीका मंद और बेजबान किशो है, फिर भी रोजाना दुर्गत बनवा के आ जाती है। इसीलिए दुर्गत बना के भेजते हैं कि बेजबान है, जवाब दिया होता ना तो खुश रहती। आज हम क्या बके चली जा रही है? हाँ तो और क्या, खाला जाऊंगी लिखवा ले आप मुझसे, पसंद की शादी करती ना तो शोहर पाँव धो धो के पीता। इस भूल में ना रहना भी बहनो कि शोहर तुम्हारे पाँव धो धो के पिएगा। ए आपा जाऊंगी, कसम से अमरूद के कचालुओं का बड़ा ही दिल चाह रहा है, वो तुम्हारे मोहल्ले में अभी है बाग वाला बंगला? अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, और क्या शानदार अमरूद लगते हैं कि बस सोचा ही करो। घर में कोई लड़का होता तो अभी मंगवा देती तुझे। अरे आपा जहांगीर, मेरी जुगनू है ना, मैं अभी उसे कहती हूँ। अरे जुगनू जुगनू, अरे जुगनू जुगनू, जरा जाके 2-4 किलो अच्छे अच्छे गदरे गदरे से अमरूद तो पकड़ ला। ये सारी इनकी फरमाइश है।
बख्शी जी से कहना अम्मा ने मंगवाए हैं, अब बेटे घर में ना हो तो क्या सारी ख्वाहिशें दिल में ही पड़ी रह जाएंगी। बख्शी जी से ये नहीं कहूँगी, ये कहूँगी कि खाला जानी है मंगवाई। अरे हाँ, इससे कहना जरा जल्दी आए, मुंशी जी से कुंबे जोड़ने ना बैठ जाए। और हाँ सर ढांप लीजो जुगनू। अरे जल्दी कर लो, लाइट जा रही है। इमरान, सात का नंबर तो सेंड कर। हाँ ठीक है, सेंड कर दूंगा। वैसे इमरान भाई इश्क तो हो गया, माशू तो तुम्हारी भाग गई, और ये मॉडल घास नहीं डालने वाली। पगले, इनको क्या पता हो कि इश्क क्या चीज है। इश्क लड़के बालों के खेलने वाली चीज नहीं है मेरी जान। अब तक कितने इश्क हो चुके हो? हुस्न वालों का तो आना जाना लगा ही रहा था। भैया भैया बात सुन, ये अमरूद गिरे हैं, जरा उठा दो हैं। अच्छा तो ये तुम हो जो अमरूद उतारी है? तुम्हें पता है तुम्हारे इन अमरूदों ने मेरा सर फाड़ दिया। देखो अब इन अमरूदों पर सिर्फ मेरा हक। अरे ऐसे कैसे हक है, इतनी मुश्किलों से उतारी, किसने कहा था वहाँ खड़े हो है? जो भी है अमरूद तो मैं खाऊंगा। मत खा, मैं मारूंगी, मैं मारूंगी। अरे तुम पागल हो गई? पागल मैं हो गई हूँ या तुम? एक तो मेरी हड्डी बस ठीक हो गई, मुझे बातें सुना रहे हो, मुझे खाला जहांगीर ने मार मार के आधा कर देना है। मेरे अमरूद के लिए 2 महीने, अमरूद 2 महीने। देखो तुम रो मत प्लीज, मेरे पास एक जादू है, उस जादू से मैं तुम्हें बहुत सारे अमरूद, बोरी भर के अमरूद दूँ। बोरी नहीं चाहिए, बस 5-6 किलो अमरूद दे देना। जादू है कि...
बख्शी जी, बख्शी जी, बख्शी जी, बख्शी जी, बख्शी जी, क्या क्यों शोर मचाया है? बख्शी जी मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है? नीचे तो आए, पर आ जाओ। क्या क्या बात करनी है? बख्शी जी मुझे शादी करनी है। शादी? हाँ हाँ शादी। आप नहीं जानते वो लोग मेरे साथ कितना बुरा सलूक करते हैं। मुलाजमा को तो फिर तनख्वाह मिल जाती है, इनाम मिल जाता है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिलता। मैंने सोचा था कि एक अमीर बंदे से शादी करूंगी और अम्मा को भी साथ ही ले आऊंगी। अमीर बंदा? कौन अमीर बंदा? वही स्टूडियो का मालिक इमरान। ठीक है ठीक है, मुझे पता था वो ठीक है। बस उसको कहेगा जुमे वाले दिन निकाह खान को ले आए। मुझसे निकाह करने का बस एक ही तरीका है, वो मुझे मंजूर है। अरे 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 लड़की सुनो, अम्मा मान जाएगी तुम्हारी? हाँ हाँ मान जाएंगी, क्यों नहीं मानेंगी। वो तो खुद तंग आई हुई है जिंदगी से, बस वो चाहती है कोई लड़का मिले और मेरी शादी कर दे। बस बख्शी जी आप याद रखिएगा जुमे वाले दिन है। बोल दूंगा बोल दूंगा। बख्शी जी, बख्शी जी, आप क्या? बख्शी जी याद रखिएगा जुमे वाले दिन है, याद रखिएगा जुमे वाले दिन। हाँ हाँ बोल दूंगा बोल दूंगा। हाँ तो गई, कल की लड़कियाँ समझदार लोगों को छोड़ के लौंडों के पीछे भागती हैं। कर लो शादी, पता चल जाएगा कितना अमीर ज्यादा है। हाँ भाई इम्बो, हाँ भाई बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ हाँ हो गया काम। अरे मानेगी कैसे नहीं, लेकिन एक बात है, सारी जिंदगी बख्शी जी के एहसान मंद रहोगे भाई तुम। भाई मानो नहीं मानो, इतनी मिनते की, इतनी मिनते की, हाथ तक जोड़ लिए। वो है ना वो एक अंग्रेज, नहीं वो क्या नाम था उसका, डियाना, अगर उसके लिए बख्शी जी इतनी मिनते करते ना तो वो बख्शी जी के लिए मान जाती। अरे भाई ये तो वक्त आने वाले बताएंगे। हाँ बस तुम एक काम करना, जुम्मे की नमाज के बाद आ जाना। हाँ हाँ जुम्मे की नमाज के बाद, चलो भाई ठीक है। हाँ भाई भाई मानेगी कैसे नहीं, बख्शी जी कोई मामूली बंदे हैं क्या?